हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी एकेडमी। गाइस, आज हम देखने वाले हैं डबल समेशन इन बाइनोमियल थ्योरम। तो देखो, यहाँ पे एक चीज़ आ रही है, डबल समेशन ना, तो इसमें मतलब काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आती है। एक्चुअली प्रॉब्लम इस चीज़ की है कि डबल समेशन का जो साइन होता है वो साइन थोड़ा ऐसे डरावना सा है, तो उसको देख के आधे बच्चे तो डर जाते हैं कि यार ये डबल समेशन आ रहा है, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। बाकी अगर तुम इसको एक बार समझ लोगे कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, तो फिर ये चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएगी तुम्हारे लिए। तो देखो, पहले मैं जो हम इसमें रिजल्ट यूज करेंगे वो एक बार को मैं तुम्हें बता दूं। जैसे बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर हम देखें तो सिंपल 1 + x^n, ये अपने पास क्या होता है, c0 + c1x + c2x² से लेके गया cn x^n तक। यहाँ पे जो ये भी लिखा है CR, इसका मतलब वही बेसिक NCR है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम सम ऑफ कोफिशियंट निकालें तो सम ऑफ कोफिशियंट्स क्या आएगा, x को हम 1 से रिप्लेस कर देंगे तो सारा सम ऑफ कोफिशियंट्स मिल जाएगा। तो देखो ये क्या आएगा, 2^n, x को 1 रखा तो 2^n इक्वल्स टू c0 + c1 + c2 से लेके ये अपने पास आ रहा है cn तक। तो फर्स्ट रिजल्ट तो ये अपने को हमेशा याद ही रखना होता है, सम ऑफ कोफिशियंट जो होता है वो 2^n। सपोज इसको हम एक बार को बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद देखो, अगर सेकंड रिजल्ट हमें ये वाला फाइंड करना है, c0² + c1² + c2² से लेके cn² तक, तो इसको देखो हम कैसे फाइंड करेंगे। जैसे हमने 1 + x^n का एक्सपेंशन यहाँ पर लिखा, वैसे देखो अगर x + 1^n इसका एक्सपेंशन क्या लिख सकते हैं, c0 x^n + c1 x^n-1 से लेके लास्ट टर्म इसकी क्या आ जाएगी, cn तक। ये सपोज इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, जो अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट है c0² c1² ये सब कैसे बन सकता है, जब इक्वेशन 1 और 2 जो है उन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो देखना, बाई 1 × 2 करेंगे तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या बन जाएगा, 1 + x^n या फिर x + 1^n, दोनों सेम चीज़ें हैं। तो अगर इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1 + x^2n, और इधर इनका मल्टीप्लीकेशन c0 + c1x से लेके ये जा रहा है cn x^n तक। ऐसे सेकेंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, c0 x^n + c1 x^n-1 से लेके ये लास्ट टर्म आ गई अपने पास cn तक। अब देखो, यहाँ से जो मल्टीप्लाई करने बहुत सारी टर्म्स बनेंगी, लेकिन अपने को उनमें से रिक्वायर्ड कौन कौन सी है, c0 से मल्टीप्लाई हो, c1 से मल्टीप्लाई हो। अब देखो, जब ये टर्म आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो इनमें खास बात क्या है, देखो जब c0 को तुम इससे c0 से मल्टीप्लाई करोगे तो साथ में x^n आ रहा है, ऐसे c1 को c1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी क्या आ रहा है, x^n आ रहा है। इसका मतलब कि जब भी ये सारी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो हमेशा x^n आ रहा है। x^n आने का मतलब क्या है, हम अगर इस पूरे इक्वेशन में कोफिशियंट ऑफ x^n लिख दें तो अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। तो x + 1^n, इसमें अगर कोफिशियंट ऑफ x^r देखना है तो वो क्या होता है, ncr। तो ऐसे यहां पे कोफिशियंट ऑफ x^n अपने पास क्या आ जाएगा, 2ncn इक्वल्स टू c0² + c1² से लेके गया अपने पास cn² तक। तो ये आ गया अपने पास सेकंड रिजल्ट। ये दोनों रिजल्ट अपने को याद रखने होते हैं, जो आगे हम यूज भी लेंगे। फर्स्ट था अपने पास सम ऑफ कोफिशियंट्स, दैट इज 2^n, और सेकंड c0² + c1² से लेके cn² तक का सम, वो आ गया अपने पास 2ncn। अब देखो, हम बेसिक डबल समेशन से स्टार्ट करते हैं। सपोज अपने पास एक क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है, डबल समेशन ऑफ ci × cj, यहाँ पे j जो है वो जा रहा है 0 से लेके n तक, i जो जा रहा है वो भी 0 से लेके n तक, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो, वैल्यू तो हम बाद में फाइंड कर लेंगे, पहली चीज़ तो इसका मीनिंग जो है वो हमें समझ में आना चाहिए
कि यहाँ पे जो डबल समेशन करके ऐसा सा लिखा हुआ है, इसको एक्सपेंड करेंगे तो कैसी टर्म आएगी। तो देखो ये तो थोड़ा आसान हो गया। ये आसान कैसे हो गया, देखो जे जो है वो जीरो से एन तक जा रहा है फर्स्ट वाले समेशन के लिए। इसका मतलब क्या है कि आई सी आई जो लिखा वो तो एक कॉन्स्टेंट की तरह बिहेव करेगा, और अगर ये कॉन्स्टेंट की तरह बिहेव करेगा तो इसको तो हम डायरेक्ट बाहर ले सकते हैं। तो ये तो क्या आ जाएगा, आई इक्वल्स टू जीरो टू एन, और हमने अगर सी आई को बाहर ले लिया तो ये समीशन बन गया अपने पास समीशन ऑफ सी जे। यहाँ पे जे जो है वो जा रहा है जीरो से लेके एन तक। अब ये समीशन तो अपने पास बड़ा ही सिंपल सा बन गया, जे की वैल्यू जीरो से लेके एन तक पुट करनी है, तो वो क्या बन गया, सी जीरो प्लस सी वन प्लस सी टू, ये सारी चीज़ें। और इसकी वैल्यू हमने अभी फाइंड की है, इसकी वैल्यू जो फाइंड की है वो क्या आई थी अपने पास, टू रेस टू पावर एन, तो ये तो हम डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो देखो ये बन गया अपने पास फाइनली। और सिंपली ये भी देखो, जब यहाँ पे टू रेस टू पावर एन बन गया तो ये दूसरे वाले समीशन के लिए क्या हो गया, कॉन्स्टेंट, इसको हमने बाहर ले लिया। तो अब सेकेंड समीशन अपने पास ऐसा बच गया सी आई आई इक्वल्स टू जीरो टू एन, फिर से सेम चीज़ है, आई की वैल्यू हम जीरो से लेके एन तक पुट करेंगे तो वो फिर से सम ऑफ कोफिशियंट बन गया। तो टू रेस टू पावर एन इंटू टू रेस टू पावर एन, दैट इज टू रेस टू पावर टू एन। तो ये तो एक बड़ा ही सिंपल सा समीशन हो गया, जब आई और जे जो है वो दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब है कि आई और जे जो है वो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे, दोनों अलग अलग चेंज हो रहे हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं यहाँ पे कुछ एक पार्ट लिख रहा हूँ इस क्वेश्चन के, जैसे सपोज ये क्वेश्चन नंबर टू हो गया, तो यहाँ पे अपने को क्या क्या फाइंड करना है, फर्स्ट ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ए यहाँ पे है समीशन ऑफ सी आई इंटू सी जे, और आई और जे जो है वो अब देखो कैसे वेरी कर रहे हैं, आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जे बट लेस देन जे एंड लेस देन इक्वल्स टू एन, ये अपने पास फर्स्ट हो गया ए। उसके बाद सेकेंड हमने कुछ लिखा बी, तो बी हमने ऐसा कुछ लिख दिया डबल समीशन ऑफ सी आई इंटू सी जे, यहाँ पे जीरो इज लेस देन आई इज लेस देन इक्वल्स टू जे इज लेस देन इक्वल्स टू एन। तो ए की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, बी की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, और जैसे देखो इसमें और किस टाइप के क्वेश्चन अपने पास बन सकते हैं, सी इक्वल्स टू हमने ऐसा लिख दिया डबल समीशन ऑफ सी आई प्लस सी जे होल स्क्वायर, और यहाँ पे फिर से ये वेरी कर रहा है जीरो टू आई इज लेस देन जे इज लेस देन इक्वल्स टू एन, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। एक अगर हम डी और लिख लें, डी पार्ट इसका, ताकि तुम्हारे हर टाइप की प्रॉब्लम जो है उसमें क्लियर हो जाएगी। तो डी हमने ऐसा लिखा डबल समीशन ऑफ आई प्लस जे इंटू सी आई इंटू सी जे, और यहाँ पे भी I और J जो है वो दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अब अपने को क्या फाइंड करना है, A, B, C, D, ये सारी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो देखो हम A से स्टार्ट करते हैं। A में देखो जो चीज लिखी हुई है उसको हम अगर हम एक्सपेंड करके देखें तो उस चीज का मतलब क्या है? देखो पहले यहां से समझो ये क्या लिखा हुआ है, सी आई और सी जे जो वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हो कैसे रहे, आई की वैल्यू जो वो जीरो से लेके जे तक जा रही है, ठीक है, आई जो है वो जा रहा है जीरो से लेके जे तक, और जो जे है वो जा रहा है आई से लेके एन तक। इसका मतलब एक चीज देखो, जे जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू एन तक जा रही है और आई जो है वो जे से छोटा है। इसका मतलब आई की मैक्सिमम वैल्यू जो वो कहां तक जाएगी, एन माइनस वन तक। तो सी आई, आई जो वो जीरो से लेके एन माइनस वन तक गया और फिर ये मल्टीप्लाई होगा सी जे से। तो देखो ये जो चीज लिखी हुई है इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो ऐसा कुछ आएगा कि नहीं, आई को तुम एक बार जीरो ले लो, आई को जीरो लेके जे की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है उन सभी से इसको मल्टीप्लाई करो। तो देखो आई को अगर हमने जीरो लिया तो ये सबसे फर्स्ट टर्म आ गई अपने पास सी जीरो। अब अगर आई जीरो लिया है तो जे जो है वो क्या होना चाहिए, आई से ग्रेटर, आई से ग्रेटर का मतलब वन से स्टार्ट होगा, प्लस अब आई को हमने अभी भी जीरो रखा लेकिन जे जो है उसको टू ले लिया, आई को वन रखते हुए सॉरी जीरो रखते हुए ये कहां तक जाएगा,
सी नॉट सी एन तक, क्योंकि जे की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो एन तक। तो आई जब जीरो है तब जे की जो जो पॉसिबल वैल्यूज थी उनसे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड देखो, प्लस और क्या होगा इसमें, आई तो अब आगे तक भी जो जाएगा एन माइनस वन तक जाएगा आई, तो जब आई को तुम वन लोगे तो अब जे जो वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, टू से, प्लस आई अभी भी हमने वन रखा, जे को थ्री लिया, तो ऐसे ये वाली टर्म लास्ट कहाँ तक जाएगी, सी वन सी एन तक। तो ये ऑर्डर जो वो ऐसे चलता रहेगा, जो लास्ट टर्म इसकी होगी वो क्या होगी, जब आई की वैल्यू एन माइनस वन हो जाएगी और जे जो है वो एन हो जाएगा, तो लास्ट टर्म इसकी आएगी सी एन माइनस वन इंटू सी एन। तो पहले तो हमने जो डबल समेशन लिखा हुआ था उसको ऐसे कुछ ओपन कर लिया, अब थोड़ी चीज़ें क्लियर हो गई कि अपने को किसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो अब देखो, ये वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं एक चीज़ यूज कर रहा हूँ। सपोज अपने पास ऐसा लिखा हुआ है, सी नॉट प्लस सी वन प्लस सी टू से लेके सी एन तक, इसका होल स्क्वायर। तो देखो, इसका होल स्क्वायर तुम बड़ी इजीली ओपन कर सकते हो। क्या होगा, पहले तो अपने पास में इंडिविजुअल टर्म का स्क्वायर आ जाएगा, तो सी नॉट स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर से लेके चला गया अपने पास सी एन स्क्वायर तक, प्लस और देखो बाकी की टर्म क्या होंगी, टू टाइम्स ऑफ सारी टर्म जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगी। आपस में मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या है, सी जीरो जो है वो सी वन से भी मल्टीप्लाई होगा, सी जीरो सी टू से भी मल्टीप्लाई होगा, ऐसे लास्ट ही लास्ट में सी जीरो जो वो सी एन से भी मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ही आगे की टर्म क्या होगी, सी वन जो वो सी टू से भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि सी जीरो से मल्टीप्लाई तो यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद सी वन सी थ्री से लेके लास्ट टर्म यहाँ भी क्या आएगी, सी वन सी एन, और लास्ट ही लास्ट टर्म जो इसकी बचेगी वो क्या आएगी, सी एन माइनस वन इंटू सी एन। तो अब देखो, जो अपने को रिजल्ट चाहिए था ए ऑप्शन में और ये वाला ब्रैकेट, ये दोनों सेम चीज़ें हैं कि नहीं है, अरे बोलो येस और नॉट, दोनों सेम है। इसका मतलब अपने को अब यहाँ से इसका इजीली रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। तो देखो, ये आ गया अपने पास सी नॉट प्लस सी वन से लेके सी एन तक के सम का स्क्वायर। तो ये तो क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ कोफिशिएंट वो क्या था, टू रेस टू पावर एन इसका स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे इसकी वैल्यू देखो हम पहले फाइंड कर चुके हैं, ये क्या था, टू एन सी एन प्लस टू टाइम्स ऑफ, यहाँ पे जो पूरी की पूरी टर्म लिखी हुई है वो क्या लिखा हुआ है, ए ही तो लिखा हुआ है, तो ये आ गया अपने पास ए। तो अब देखो यहाँ पे ए जो है वो इजीली फाइंड हो गया, ए क्या आ जाएगा, टू रेस टू पावर टू एन माइनस टू एन सी एन डिवाइडेड बाई टू। ठीक है गाइज, तो ये अपना फर्स्ट प्रॉब्लम जो था वो सॉल्व हो गया, आसान है काफ़ी। ऐसे देखो बाकी के भी काफ़ी आसान है। सेकंड पार्ट अगर इसका हम सोल्व करें, सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, बी इक्वल्स टू, तो देखो बी इक्वल्स टू अपने पास में ऊपर क्या लिखा था हमने, देखो ए और बी जो है उन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सिर्फ देखो एक छोटी सी चीज का है, आई और जे के बीच में यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं था और यहाँ पे क्या आ गया, इक्वल का साइन आ गया। तो इक्वल का साइन आने का मतलब ये है कि जो पहले आई जब जीरो था तब जे वन से स्टार्ट हो रहा था, वो अब जे भी कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होगा। तो देखो इसको भी एक्सपेंड अगर करें तो क्या बनेगा अपने पास, ये टर्म अपने पास लिखा हुआ था सी आई इंटू सी जे, और ये बन गया जीरो इज लेस देन इक्वल्स टू आई इज लेस देन इक्वल्स टू जे इज लेस देन इक्वल्स टू एन। तो देखो आई की वैल्यू अगर हमने जीरो ली तो जे जो वो भी कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से, तो सी जीरो इंटू सी जीरो ये क्या बन गया, सी नॉट स्क्वायर प्लस फिर से आई की वैल्यू अभी भी हमने जीरो रखी है और वो सी वन से मल्टीप्लाई हुआ, ऐसे सी जीरो सी टू से मल्टीप्लाई हुआ और लास्ट में जाके सी जीरो जो वो सी एन से मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद प्लस आई की वैल्यू जब वन ले रहे हैं तो जे जो वो भी वन से स्टार्ट होगा, तो सी वन स्क्वायर प्लस सी वन सी टू प्लस सी वन सी थ्री से लेके ये कहाँ तक गया अपने पास, सी वन सी एन तक। तो इसकी देखो जो लास्ट ही लास्ट टर्म बनेगी वो क्या बनेगी, आई की मैक्सिमम वैल्यू अब एन तक जा सकती है, तो सी एन और जे की भी सी एन, तो ये बन गया सी एन स्क्वायर।
अब अगर इसकी वैल्यू फाइंड करें तो देखो इसमें क्या क्या टर्म्स आ रही हैं। एक तो आ रहा सी जीरो स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर, ये सब टर्म बन रही हैं। तो b इक्वल्स टू एक ब्रैकेट में तो हमने लिख दिया सी जीरो स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर से लेके ये गया सी एन स्क्वायर तक। अब देखो जो बाकी की टर्म्स बची हैं वो a ही तो लिखा हुआ है, सी जीरो सी वन सी जीरो सी टू, वो फिर से क्या आ गया a। अब तो ये सिंप्लीफाई करना सिंपल, इसकी वैल्यू हमने क्या लिखी थी 2n cn प्लस a, देखो हमने अभी फाइंड किया था 2 रेस टू पावर 2n माइनस 2n cn डिवाइडेड बाय 2। तो अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बन गया 2n cn प्लस 2 रेस टू पावर 2n डिवाइडेड बाय 2। तो ये देखो हमने आसानी से इसका बी पार्ट सोल्व कर दिया। अब देखो इसके जो सी पार्ट है, सी पार्ट में क्या लिखा हुआ है, इसके ऐसा कुछ था डबल समीशन ऑफ सी आई प्लस सी जे होल स्क्वायर, और आई और जे कैसे वेरी हो रहे थे, जीरो इज लेस देन इक्वल्स टू आई इज लेस देन जे इज लेस देन इक्वल्स टू एन। अब देखो इसको भी वैसे ही ओपन करते हैं, पहले देखते हैं कि ये एक्सपेंड करने पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे फिर से देखो पहले वाली चीज है, i की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और j की वैल्यू जो वो 1 से स्टार्ट होगी। तो देखो इसको स्टार्ट करो, i की वैल्यू हमने रखी 0, तो j जो है वो 1 से स्टार्ट हुआ, तो c0 प्लस c1 का स्क्वायर प्लस c0 प्लस c2 स्क्वायर। ऐसे जब i की वैल्यू 0 है तो j की लास्ट वैल्यू n तक जाएगी, तो c0 प्लस cn स्क्वायर प्लस उसके बाद क्या होगा आई की वैल्यू 1, तो देखो सी वन तब जे क्या हो जाएगा 2, तो सी वन प्लस सी टू का होल स्क्वायर प्लस सी वन प्लस सी थ्री का होल स्क्वायर से लेके इसकी भी लास्ट टर्म क्या चली गई, सी वन प्लस सी एन का होल स्क्वायर। नेक्स्ट आई की वैल्यू जब 2 होगी तो ये सी टू, अब जे 3 से स्टार्ट होगा, तो सी टू प्लस सी थ्री स्क्वायर प्लस c2 प्लस c4 स्क्वायर से लेके ये वैल्यू आ गई अपने पास c2 प्लस cn स्क्वायर तक। और जो इसकी लास्ट वैल्यू होगी i की वो क्या होगी cn माइनस 1 प्लस j की जो लास्ट वैल्यू cn इसका स्क्वायर। तो ये हमने इसको एक्सपेंड करने पे देखा कि ये जो पूरा टर्म लिखा हुआ था वो ऐसा कुछ लिखा हुआ था। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर लिखे हुए हैं, अगर इनको ओपन करें तो देखना क्या बनेगा, यहां से क्या आएगा सी जीरो स्क्वायर प्लस सी जीरो स्क्वायर प्लस सी जीरो स्क्वायर। तो यहां से सी जीरो स्क्वायर कितने टाइम्स आ रहा है, यहां पे देखो सी वन से स्टार्ट होके सी एन तक गया, इसका मतलब टोटल एन टर्म्स लिखी हुई हैं। एन टर्म्स लिखा होने का मतलब क्या है कि सी नॉट स्क्वायर जो वो भी कितने टाइम्स आएगा, एन टाइम्स। उसके बाद देखो सी वन की बात करें तो यहां से देखो सी वन स्क्वायर से लेके सी वन स्क्वायर तक गया ये, बट यहाँ पे देखो 2 से स्टार्ट होके n माइनस 1 n तक गया है, इसका मतलब टोटल टर्म्स यहाँ पे कितनी है n माइनस 1, बट एक जगह देखो c1 स्क्वायर जो फर्स्ट रो में भी आ रहा है, इसका मतलब c1 स्क्वायर भी n टाइम्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये हमने लिख दिया c1 स्क्वायर। सिमिलरली इसका मतलब क्या है कि सारी टर्म्स जो वो स्क्वायर जो आ रहे हैं वो सारी n टाइम्स लिखी हुई हैं, तो n टाइम्स ऑफ c0 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर से लेके आ गया अपने पास cn स्क्वायर तक। अब देखो इसके बाद में जो बाकी की टर्म्स बची हैं वो क्या बची हैं, यहां देखो ये क्या होगा 2 इंटू सी नॉट सी वन, लिख देते हैं इसको एक बार 2 इंटू सी नॉट सी वन। ऐसे नेक्स्ट वाले टर्म में क्या बनेगा ये सी नॉट इंटू सी टू, तो ये गया सी नॉट इंटू सी टू से लेके लास्ट टर्म इसकी आ गई सी नॉट इंटू सी एन। ऐसे जब तुम सेकेंड वाले को ओपन करोगे तो वहां क्या आ रहा है, देखो 2 इंटू सी वन सी टू प्लस सी वन सी थ्री से लेके ये भी कहाँ तक चला गया सी वन सी एन तक, और जो इसकी लास्ट टर्म बनेगी वो क्या आ जाएगी सी एन माइनस वन इंटू सी एन तक। अब देखो फिर से सेम रिजल्ट बन गया, एन टाइम्स ऑफ ये वाली वैल्यू हमने सबसे पहले फाइंड कर चुके हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी टू एन सी एन प्लस ये, तो देखो फिर से थोड़ा इसको अच्छे से तुम ऑब्जर्व करो तो ये वापस से a ही लिखा हुआ है अपने पास, तो 2 टाइम्स ऑफ a, a की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें
तो ये आ गया n इंटू 2n cn प्लस 2 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू। देखो हमने a की वैल्यू फाइंड की थी, तो a की वैल्यू अपने पास क्या आ रही थी, 2 रेस टू पावर 2n माइनस 2n cn डिवाइडेड बाई 2। तो यहां पे क्या हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये वाला 2 से कैंसिल आउट। तो अब देखो बचा क्या अपने पास, 2 रेस टू पावर 2n प्लस, अगर 2n cn को कॉमन ले लें तो अंदर आ गया ये n माइनस 1। तो ये देखो सी पार्ट का रिजल्ट आ गया अपने पास, 2 रेस टू पावर 2n प्लस 2n cn इंटू n माइनस 1। अब देखो इसका लास्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं, लास्ट पार्ट डी पार्ट जो इसका था वो अपने पास क्या था, ऐसा कुछ था डबल समीशन ऑफ I प्लस जे इंटू सी आई इंटू सी जे। यहां पर भी क्या था, जीरो इज लेस देन इक्वल्स टू I इज लेस देन जे इज लेस देन इक्वल्स टू n। इस पार्ट को हमें सोल्व करना है। तो देखो पहली चीज तो इसमें तुम एक चीज ऑब्जर्व करो कि अगर हम I को n माइनस आई से रिप्लेस कर दें और j को n माइनस जे से रिप्लेस कर दें, तो देखो इसकी वैल्यू में तो कोई चेंज आने वाला नहीं है। तो i को हमने रिप्लेस किया n माइनस आई और हमने j को रिप्लेस कर दिया n माइनस जे से। ऐसा रिप्लेस करने के बाद देखो क्या बन गया अब अपने पास, ये डबल समीशन ऑफ, तो ये तो क्या आ गया 2n माइनस i माइनस j। अब देखो यहां पे i की जगह n माइनस i आएगा, तो अपने को एक चीज पता है कि n c r जो वो किसके इक्वल होगा, n c n माइनस आर के इक्वल। इसका मतलब एन सी आई जो होगा वो वापस से एन सी एन माइनस आई के इक्वल। तो यहां से ये टर्म तो ऐसी की ऐसी रहेगी सेम सी जे। ये था अपने पास डी की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं ना फोर्थ पार्ट में। अब देखो डी इक्वल टू ऐसा लिखा हुआ है, अब अंदर वाले टर्म को अगर मल्टीप्लाई कर दें, एक बार क्या कर रहे हैं 2n को यहां पे ले रहे हैं सी आई सी जे के साथ, तो डबल समीशन ऑफ 2n, देखो कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट है तो 2n को बाहर ले सकते हैं, अंदर आ गया अपने पास ci आई इंटू सी जे और लिमिट वापस से वही चली जाएगी, जीरो इज लेस देन इक्वल्स टू i इज लेस देन j इज लेस देन इक्वल्स टू n। और अगर माइनस बाहर ले लें तो देखो डबल समीशन के अंदर यहां पे क्या बचेगा, i प्लस जे सी आई इंटू सी जे और लिमिट अभी भी देखो वही है। तो ये हमारे पास पूरा इसको एक्सपेंड किया तो ऐसा कुछ आ गया। अब देखो d इक्वल्स टू 2n, अब देखो ये वाली टर्म जो वो बार बार फिर से वही आ रही है जो हमने फर्स्ट पार्ट में सोल्व किया था। तो ये क्या लिखा हुआ है 2n इंटू a माइनस, ये देखो जो स्टार्टिंग में हम d लेके चले थे वापस से वही टर्म आ रही है, तो ये क्या बन गया d। तो d को अगर दूसरी साइड लेके गए तो ये आ गया 2d इक्वल्स टू 2n इंटू a, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो d की वैल्यू देखो ये क्या आ गई यहां से n टाइम्स ऑफ 2 रेस टू पावर 2n माइनस 2n cn डिवाइडेड बाई 2, a की वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो गाइज ये हमने डबल समीशन के जो कुछ टाइप्स थे, जो जो पॉसिबिलिटीज होती थी, वो उस टाइप के सारे क्वेश्चंस हमने देखे। तो आई होप कि अब आगे से आपको डबल समीशन के क्वेश्चंस को देख के ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं, तुम आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप गाइज कि आपको ये वीडियो भी काफ़ी पसंद आएगा।